हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पांचवा चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं। इसके पिछले पहले वीडियो में मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था, और यहाँ पर मैंने आपको गैस के नियम पढ़ाने शुरू किए थे। तो गैस के लिए कई वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के नियम दिए हैं, जिसमें तीन वैज्ञानिकों का नाम हमने कल पढ़ा। एक है बॉयल, ठीक है, और इन्होंने जो नियम दिया उनको बॉयल का नियम कहते हैं, ठीक है, बॉयल ने दिया था। उसके बाद चार्ल्स और गेलुशाक, इन्होंने भी इस पे काफ़ी अच्छा काम किया है गैस के नियम बनाने में, ठीक है। तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बॉयल का नियम, दाब आयतन संबंधी। देखिए, बॉयल जो कि एक एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट थे, मैंने बताया था कि आयरलैंड और इंग्लैंड के माता पिता थे उनके, वहाँ के थे। तो इन्होंने गैस के दबाव और उसकी आयतन, ये दोनों पे इन्होंने काम किया था, और ये बताया था कि गैस का दबाव बढ़ाओगे तो उसका आयतन कम हो जाता है, ठीक है। गैस को ऐसे दबाओगे तो आयतन उसका कम होता चला जाएगा, और दबाव को कम करोगे तो आयतन बढ़ते चला जाता है। तो दाब और आयतन गैस का एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। अपने प्रयोगों के आधार पर रॉबर्ट बॉयल इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा या मोलों की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप दाब बढ़ा देते हो तो आयतन कम हो जाएगा, और अगर आप दाब घटा देते हो तो आयतन बढ़ जाता है। इसे बॉयल का नियम कहते हैं। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P V के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती के जगह हम एक नियतांक ले सकते हैं K1, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर तापमान स्थिर है, जिस तापमान पे उस गैस को रखा गया है उसी तापमान पे वो काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, इसमें गैसों के मोलों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। शुरू में आपने जिस पात्र में जितना भी गैस लिया है उतने ही गैस को हम संपीड़ित और शिथिलित कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उसकी आयतन कम और ज्यादा हो रही है। अब यहां पर के एक समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। तो स्थिरांक K1 का मान गैस की मात्रा, गैस के ताप और उन इकाइयों के द्वारा जिनके द्वारा P तथा V व्यक्त किए जाते हैं पर निर्भर करता है। ये K का मान वेरिएबल है, ये ताप, दाब, आयतन और ये सब चीज़ों पे निर्भर करता है, मतलब ये बदल सकता है। अब हमने अभी पढ़ा P इक्वल टू K1 1/V पढ़ा आपने, तो अगर V को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू K1, ठीक है, PV इक्वल टू K1, मतलब कि दाब और आयतन इसके नियतांक के बराबर हैं, दोनों का गुणनफल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है, ठीक है। मतलब दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम हो रहा है, और दाब को घटाओगे तो आयतन बढ़ रहा है, तो एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, इसलिए दोनों का गुणनफल स्थिर रहेगा। जैसे मान लो आपने 2 × 2 किया, ठीक है, अब इसमें आप मान लो 3 × 3 कर रहे हो, है ना, अब एक को घटाओगे दूसरे को बढ़ाओगे बराबर मात्रा में तो गुणनफल बराबर आएगा, वैसे ही है, ठीक है। यदि गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप, देखिए कैपिटल T का मतलब होता है केल्विन में, जब हम ताप को केल्विन में नापते हैं तो उसको कैपिटल T में दिखाते हैं। स्थिर ताप पर दाब P1 तथा आयतन V1 से प्रसारित किया जाता है, जिससे आयतन V2 और दाब P2 हो जाता है। मतलब पहले दाब P1 था, उसके साथ आयतन V1 था, बाद में आपने दाब को बदल दिया तो आयतन भी बदल गया, और दाब को बदले तो दाब हो गया P2 और आयतन हो गया V2, समझे बात को। तो ये देखिए P1V1 इक्वल टू P2V2 इक्वल टू स्थिरांक, क्योंकि आपने एक को बढ़ाया तो दूसरा घटेगा, दूसरे को पहले को बढ़ाया तो दूसरा घटेगा, इसलिए दोनों स्थिति में बराबर रहेगा दोनों का गुणनफल, और इसलिए दोनों जो हैं इसके बराबर हैं।
स्थिरांक के बराबर। अब अगर हम इसको इधर उधर करें तो वी वन इधर जाके इसके नीचे आ जाएगा और पी टू इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए पी वन बाय पी टू, वी टू बाय वी वन, ठीक है। मतलब पी वन ऊपर है तो वी वन नीचे है और पी टू नीचे है तो वी टू ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज किया। आप समझते हैं ना इसको कि ये दोनों गुणनफल हैं, ऐसे गुणनफल हैं। तो किसी को उधर ले जाओगे तो उधर भाग हो जाएगा और इधर लाओगे तो इधर भाग हो जाएगा। तो पी टू को हमने इधर लाया तो पी वन के नीचे पी टू आ गया, क्योंकि वी वन को हम इधर ले गए थे तो वी टू के बदले वी वन आ गया। ये देखिए पी वन बटा पी टू, वी टू बटा वी वन। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इससे ज्यादा सिंपल गणित आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब चित्र में बायल के नियम को दो प्रकार के ग्राफिकी निरूपण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, आ और बा, देखते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, पहला देखिए आ, विभिन्न तापों पर एक गैस के आयतन V तथा P के मध्य वक्र। देखिए यहां पर आप देखिए कि दाब जो है बढ़ रहा है, और दाब बढ़ेगा तो आयतन कम हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आयतन है ना, तो दाब यहां पर ज्यादा है तो आयतन देखिए बहुत थोड़ा है, और जब दाब को आपने कम किया तो आयतन बढ़ता चला गया। देखिए आयतन यहां तक पहुंच गया। लेकिन अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो तापमान के बढ़ने के साथ गैस का दाब ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो तापमान बढ़ाओगे तो गैस का दाब बढ़ेगा, और गैस का दाब बढ़ेगा तो देखिए 200 के जगह 400 600 किए तो दाब अचानक बढ़ा, ठीक है। और दाब बढ़ा तो यहां पर आयतन जो है, एक्चुअली ये ग्राफ में थोड़ा सा इधर से लेना था कि जब आपने दाब को स्थिर रखना चाहा तो आयतन को बढ़ाना पड़ा आपको। देखिए ध्यान से आप समझिए कि आपने 200 केल्विन पे इसको रखा है, उस समय दाब आपको इतना महसूस हुआ और आयतन इतना महसूस हुआ, ठीक है। अब जब आपने ताप को बढ़ा दिया तो ये दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और दाब अगर बढ़ा तो आप दाब को कम करना चाहोगे तो आयतन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए ये आयतन बढ़ गया, मतलब निश्चित है कि दाब पहले कम आयतन में और ज्यादा था, मतलब ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाता, ऐसा जाता, ऐसा ऐसा जाता है ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा जाता, तो यहां पर आयतन और कम होता क्योंकि इसका दाब बढ़ जाता और इसका और इधर से जाता। मतलब ताप बढ़ाओगे तो उस गैस का दाब बढ़ा, और दाब को बराबर रखना चाहते हो तो आयतन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए इसका आयतन इतने दाब में, इसका आयतन इतने दाब में, इसका आयतन इतने दाब में, सेम दबाव में आप आयतन देख सकते हैं बढ़ गया। तो आयतन बढ़ा का मतलब क्या है, उसका दबाव बढ़ा होगा तब तो आयतन बढ़ा, क्योंकि फैल गया दबाव बढ़ा तो, और दबाव आप स्थिर रखना चाहते हो तो आयतन को बढ़ाओगे तो दबाव स्थिर रहेगा क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। तो ये है। दूसरा आप देखिए कि दाब और आयतन, ये देखिए टी वन टी टू टी थ्री, ये देखिए टी वन में इतने आयतन पे दाब इतना था, ठीक है। और मान लो इतने और इतने में आप ग्राफ खींचे, चलिए अब इसके हिसाब से समझिए। मान लो इतने आयतन में इसका दाब इतना, इन तीनों का तुलना करिए, देखिए ना ऐसे तुलना करिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए जब ये टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया और आयतन को आप स्थिर रखना चाहते हो, मान लो आयतन को आप इतना स्थिर रखना चाहते हो या इतना स्थिर रखना चाहते हो, चलो इसके बराबर स्थिर रखना चाहते हो, आयतन को तीनों का यहां पर स्थिर रखना चाहते हो आयतन को, तो तापमान बढ़ाने पर देखिए गैस का दबाव बढ़ा, ये इतना दबाव दे रहा है, ठीक है, ये इतना दबाव दे रहा है, ये इतना दबाव दे रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तापमान बढ़ाया तो गैस का दाब बढ़ा और वो फैलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फैलने नहीं देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, और फैला देंगे तो दाब भी स्थिर रहेगा, मतलब फैल जाएगा, ज्यादा आयतन हो जाएगा।
ठीक है, तो तापमान बढ़ाने के साथ उसका दाब बढ़ेगा और आयतन बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर स्थिर ताप रख दोगे तो फिर वो बराबर रहेगा। चलिए, चित्र आ जो था ये आपको, इसको भी मैंने समझाने की कोशिश किया कि जब ताप बढ़ा रहे, वो दोनों चित्र का तुलना एक ही जैसा है, ठीक है, कि आप ताप को बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ रहा है, और दाब को स्थिर रखना चाहते हो तो आयतन बढ़ गया। देखिए, आपको फैलाना पड़ा, उसी चीज को बता रहे, उसमें भी वही चीज हुआ था। तो चित्र पहला वाला जो है, विभिन्न तापों पर समीकरण का ग्राफ है, जो आपने समीकरण पढ़ा। K1 का मान प्रत्येक वक्र के लिए पृथक पृथक है, ठीक है, तो जो स्थिरांक है वो बदल गया क्योंकि ताप आपने बदला है। क्योंकि स्थिरांक के लिए पहला हमारे हमारे लिए जो शर्त थी कि आपको ताप स्थिर रखना पड़ेगा, लेकिन ताप आपने बढ़ाया इसलिए स्थिरांक का मान बदल गया। क्योंकि किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान के लिए यह केवल ताप के साथ परिवर्तित होता है, आपने गैस की मात्रा को नहीं बदला है, सिर्फ तापमान को बदला है। इसलिए अलग अलग तापमान पर के का मान तापमान पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप मोलों की संख्या को बदल देते तो फिर वो मोलों की संख्या पर निर्भर करता, जिस चीज को बदलेंगे उसी पे निर्भर करेगा। प्रत्येक वक्र विभिन्न ताप से संबंधित है, इसे समतापी वक्र या स्थिर ताप वक्र कहते हैं। कोई एक वक्र स्थिर ताप का है, दूसरा वक्र दूसरे स्थिर ताप का है, तीसरा तीसरे स्थिर ताप का है, लेकिन तीनों अलग अलग ताप के हैं। उच्च वक्र उच्च ताप से संबंधित होते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि गैस का दाब आधा किया जाता है तो गैस का आयतन दोगुना हो जाता है। ये तो हमने देखा P1 B1 P2 B2। सारणी 5.1 300 केल्विन पर 0.009 मोल CO2 के आयतन पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है। चलिए, अब हम ये दो ग्राफ तो समझ लिए, अब हम ये सारणी समझते हैं। देखिए, हमने 300 केल्विन मतलब कितना टेम्परेचर हो गया, ये हो गया 27 डिग्री, क्योंकि 273 होता है जीरो, और 273 में 27 जोड़े तो आया 300, ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, और CO2 के 0.09 मोल को इन्होंने लिया है। अब इसको हम तुलना करते हैं। देखिए, आप दाब को बढ़ा रहे हो, देखिए 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 6, 8, 10, ये दाब को बढ़ाया आपने, पास्कल दाब को बढ़ाया, तो आयतन क्या हो रहा है, देखिए जैसे जैसे दाब को आप बढ़ा रहे हो आयतन कम हो रहा है। देखिए, ये क्यूबिक घन मीटर में है, तो 112, फिर 89.2, 64, 56, 37, 28, 22, जैसे जैसे दाब को आपने बढ़ाया आयतन बढ़ा, ठीक है, आयतन बढ़ा, लेकिन ये वी है, और अगर 1/v कहोगे तो ये 1/v तो बढ़ते हुए दिखेगा क्योंकि वी का मान कम हो रहा है, तो टोटल मान 1/v का मान बढ़ता दिखेगा। तो ये देखिए 8.9, 11, 15, 17, 26, 35, 44, क्योंकि नीचे का मान घट रहा है ना, इसलिए टोटल मान इसका 1/v का मान बढ़ेगा, v का मान घट रहा है, 1/v का मान बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इन सभी में p और v दोनों का मान गुणनफल स्थिर रहेगा, क्योंकि अगर p को बढ़ा रहे हो तो v घट रहा है, p को घटा रहे हो तो v बढ़ रहा है, तो दोनों का जो गुणनफल है वो तो स्थिर होना चाहिए। तो देखिए 22.4, 3, 22, 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 22
वेरिएशन दिख रहा है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। तो एक्चुअली बॉयल का नियम एकदम ऐसे आदर्श गैस पर 100% लागू होगा जिसके अणुओं के बीच में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता हो, तब तो वो बॉयल का नियम 100% सक्सेस रहेगा और इन सभी में एग्जैक्टली बराबर आता। लेकिन एग्जैक्टली बराबर क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे जैसे अणु पास में आते हैं, आप दबाव बढ़ाते हो, अणु पास में आते हैं तो अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कुछ लगना चालू हो जाता है, जबकि बॉयल का नियम ऐसे आदर्श गैस पे लगेगा जिनमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल अणुओं के बीच में नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमेशा बॉयल का नियम चार्ल्स के नियम में थोड़ा बहुत आपको डेविएशन, थोड़े बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पी और वी का मान जो है गुणनफल, वो लगभग बराबर है सब में, 22 के आसपास है सब में। तो ये नियम लगभग सक्सेसफुल नियम है, ठीक है, ऐसा है। चित्र 5.5 बा
तथा 1/v के मध्य ग्राफ को व्यक्त करता है। तो एक और हमने तीन ग्राफ दो ग्राफ देखा था हमने, ठीक है। तो इसमें से जो है पहला वाला ग्राफ आपने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पे दिखा रहे थे। तो अब आगे देखिए कि हम यहां पर चित्र दूसरा जो देखे उसमें आयतन दाब और 1/आयतन के मध्य ग्राफ को व्यक्त करता है। एक आपको आगे भी इसका एक चित्र मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, पीछे जो था 5.5 बा, ठीक है, ये देखिए 5.5 बा, इसको हमने देखा, इसको मैं दोबारा लगाया हूँ, ऐसा ध्यान आ रहा था लेकिन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। तो 5.5 बा, तो इसमें अलग अलग तापमान पे इनका दबाव और आयतन अलग अलग आपने देखा, ठीक है, कि अगर दबाव आप सेम रखते हैं तो आयतन बढ़ेगा ऐसा, लेकिन एक ग्राफ जो है वो किसी एक तापक्रम पर आयतन और दाब का संबंध बता रहा था, ये भी आपने देखा, ठीक है। यह मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा है, उच्च दाब पर गैस बॉयल के नियम से विचलन दर्शाती है, ऐसी परिस्थितियों में ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। अब देखिए कम दाब पे अगर हम गैस के कम दाब पे हम बॉयल का नियम लगाएं तो बॉयल का नियम करीब करीब 100% लगता है, लेकिन गैस का दाब जैसे ही थोड़ा बढ़ाना चाहते हो वैसे ही वो जो है बॉयल के नियम से विचलन दर्शाता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब गैस के अणु पास आने लगते हैं तो उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल थोड़ा बहुत लगना चालू हो जाता है, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो फिर गैस के नियम में थोड़ा सा विचलन दिखेगा आपको, ठीक है। मात्रात्मक रूप से बॉयल के प्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है, क्योंकि जब एक गैस के दिए गए द्रव्यमान को संपीड़ित किया जाता है तब उसके अणु कम स्थान घेरते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च दाब पर गैस के अधिक सघन हो जाती है, गैस अधिक सघन हो जाती है। बॉयल के नियम को उपयोग करने पर गैस के दाब और घनत्व के मध्य एक संबंध प्राप्त होता है। परिभाषा के अनुसार घनत्व डी, आयतन वी तथा द्रव्यमान एम में संबंध क्या होता है, देखिए, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर एम वाई वी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप आयतन बढ़ाते हो तो घनत्व कम होगा, क्योंकि आयतन बढ़ाने से अणु दूर दूर जाएंगे तो घनत्व कम हो गया, लेकिन अगर आप ज्यादा गैस लेते हैं तो घनत्व बढ़ेगा, मतलब गैस की मात्रा बढ़ाने पे घनत्व बढ़ेगा लेकिन गैस का आयतन बढ़ाने पे घनत्व कम होगा। ये तो बहुत साधारण सा है जिसको आप समझ सकते हैं नियम। यदि हम बॉयल के नियम के समीकरण 5.3 में से आयतन का मान इस संबंध में रखें तो हमें यह संबंध प्राप्त होता है। देखिए आयतन का मान हम क्या रख रहे हैं, डी एम वाई वी के जगह हम डी रखना चाहते हैं। तो यहां पर आपने क्या लिखा था, देखिए पी वी इजकल टू के वन लिखा था आपने, ठीक है, और अब यहां पर जब चेंज करोगे तो पी तो रहेगा, ठीक है, लेकिन v का मान क्या आएगा। तो यहां पर देखिए इसको ये थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है, मैं आपको इसको ठीक से बता रहा हूं, देखिए पी वी इजकल टू आपने k लिखा था, यहां पर अगर v का मान निकालना चाहोगे तो इसको ऊपर इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो v इजकल टू एम बाई डी हो जाएगा। तो अब यहां पर p m डिवाइडेड बाई d इजकल टू k हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब इस k को आप इधर और d को इधर ले जाओगे तो पी एम बाई के हो जाएगा, देखिए पी एम बाई के इजकल टू डी, ये देखिए, इसको समझ पाए आप लोग, पी वी इजकल टू के। अब यहां पर जो था v को इधर d को इधर लाए तो v इजकल टू एम वी हो गया, एम डी हो गया, ये देखो एम डी, तो v का मान हम यहां पर रख देंगे एम बाई डी, ये देखिए v का मान रखे एम बाई डी इजकल टू के, अब के इधर हो d उधर तो पी एम बाई के, ये देखिए पी एम बाई के ये आ गया। यह प्रदर्शित करता है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब घनत्व के समानुपाती होता है,
ठीक है। तो ये है सीधी सी मतलब ये है कि जैसे जैसे दाब आप बढ़ाओगे घनत्व तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे उनसे गैस की मात्रा बढ़ाओगे तो भी घनत्व तो बढ़ेगा, ठीक है, इसका सीधा मतलब है। उदाहरण, जितना भी हो एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, कितना नहीं बताया है। यदि दाब को 0.2 bar से अधिक कर दिया जाए तो यह गुब्बारा फूट जाता है। यदि 1 bar दाब पर गैस 2.27 liter आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है, ठीक है। अगर गुब्बारे में भरी हवा को, गैस को इतना और बढ़ा देते हो तो गुब्बारा फट जाएगा, मतलब इतना और उसमें भरा जा सकता है तभी वो फटेगा, ठीक है। तो बायल का नियम लगाएंगे, P1V1 P2V2, ठीक है। अब P1 अगर 1 bar है तो V1 है 2.27 liter। देखिए 1 bar पर लीटर 2.27 दिया है, P1 और V1 का नाम मान दिया हुआ है, P1 है 1 bar और V1 है 2.27। अब P2V2 आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि P1 अगर आपको 1 bar दिया है तो P2 कितना होगा, 1.2, क्योंकि 0.2 आपने बढ़ाया तो P2 हो गया 1.02। तो V2 का मान आप इस फार्मूले में रख दीजिए, देखिए P2 कितना हुआ, 0.2 bar बढ़ा, ये कैलकुलेशन तो गलत कर दिया है इसने, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ ये है, देखिए कि गुब्बारे में अगर 0.2 bar तक भरोगे तो फूट जाएगा, और 1 bar का आयतन 2.27 है तो 0.2 bar का आयतन कितना होगा। तो P2 भी दिया है आपको, P1 दिया है 1, V1 दिया है 2.27 और P2 दिया है 0.2, इसको रखना है मान को, ठीक है। ये देखिए P1 V1 P2 V2 में P2 नीचे ले आए तो 1 bar 2.27 / 2.2, ठीक है। तो इतना लीटर इसका आयतन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए आप कि 1 bar में आपने दबाव दिया था 1 bar, तो 2.27 liter था ये, और जब बार को 0.2 कर दिया यानी कम कर दिए, दबाव को कम कर दिए, तो गैस का आयतन बढ़ के 11.35 liter हो गया, समझे बात को। 1 bar में आयतन 2.27 था, उतना दबाया हुआ था आपने, और जब दबाव को कम कर दिया तो 11.35 liter हो गया, मतलब वो गैस फैल गई, दबाव कम हुई तो गैस फैल गई। क्योंकि गुब्बारा 0.2 bar दाब पर फूट जाता है इसलिए उसे 11.35 liter आयतन तक फुलाया जा सकता है, और इससे जरा सा भी और फूलेगा तो गुब्बारा फट जाएगा, इसका ही मतलब है, ठीक है। ठीक, तो बॉयल का नियम किस बात पे निर्भर था, कि वहां पर दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, दाब कम करोगे तो आयतन बढ़ेगा, बस उसी को हमने यहां पर भी पढ़ा है, ठीक है। अब है चार्ल्स का नियम, ताप आयतन संबंध, ठीक है। तो चार्ल्स क्या कहते हैं, चार्ल्स कहते हैं कि दाब को आप स्थिर रखिए और आयतन को कम ज्यादा करिए, या फिर आयतन को निश्चित रख के दाब कम ज्यादा हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। किसी गैस के तापमान को बढ़ाओगे तो उसका दाब बढ़ेगा, और अगर आयतन बढ़ सकता है तो आयतन बढ़ेगा, दाब नहीं बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन नहीं बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि वो दबाव प्रेशर देगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो प्रेशर बढ़ाएगा, आप अगर फैलने दोगे तो थोड़ा फैल जाएगा, नहीं फैलने दोगे तो वहीं पर दाब बढ़ जाएगा, ये मतलब है। कुल मिला के ये है कि तापमान बढ़ाने से गैस का दाब बढ़ेगा, तापमान घटाने से गैस का दाब कम होगा, और अगर आप आयतन को बढ़ने देना चाहते हो तो फिर आयतन बढ़ेगा और आयतन घटेगा, कोई एक चीज को या दोनों चीज को बढ़ने घटने दोगे तो वो बढ़ेगा और घटेगा तापमान बढ़ने और घटने से, ये तापमान पे निर्भर करता है।
गुब्बारा तकनीक पिछले क्लास में बताया था मैंने कि वो जो उड़ते हैं बड़े बड़े गुब्बारे जिसमें आग फुर फुर जलते रहता है, वही है ये। इसको उन्नत बनाने के लिए चार्ल्स तथा गे लुशाक ने गैसों पर विभिन्न प्रयोग किए। उनके अनुसंधान दर्शाते हैं कि स्थिर दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप कम करने पर घटता है। तो आयतन क्यों बढ़ेगा? जब अंदर में दाब बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा ना। अगर दाब को नहीं बढ़ने देना चाहते हो तो उसको फैलने देना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा फैल करके वो बढ़े हुए दाब को मैनेज कर लेगा। जैसे मान लो आप दो बार पे रखे हुए इसको, दो बार पे, ठीक है, टू बार पे प्रेशर देके रखे हो उसको। अब मान लो आप उस दाब को कम ज्यादा नहीं करना चाहते हो, टू बार में ही रखना चाहते हो, लेकिन ताप बढ़ाओगे तो दाब बढ़ रहा है, तो दाब को टू बार में स्टेबल करने के लिए उसको थोड़ा फैलने देना पड़ेगा। तो थोड़ा फैल करके वो दाब टू बार पे वापस आ जाएगा, और नहीं फैलने दोगे तो दाब बढ़ जाएगा। ये दोनों चीजें हैं इसमें। तो यही चीज चार्ल्स और गे लुशाक ने दोनों ने बताया था, ठीक है। ठीक है, उन्होंने पाया कि ताप की प्रत्येक डिग्री में वृद्धि से गैस की निश्चित मात्रा के आयतन में उसके 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन से 1/273 भाग की वृद्धि हो जाती है। एक देखो कितना वृद्धि होगा आयतन में, 1/273, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आता है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर और टी डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन V0 और VT हो तो इसका मान कैसे होगा? देखिए, तो डिग्री बढ़ाने पर आयतन कितना होगा? तो शुरू में कितना तापमान, कितना आयतन था किसी तापमान पे, वो तापमान कितना था? जैसे मान लो आपने कहा कि हम 0 डिग्री पे लिए थे और उसको 10 डिग्री बढ़ाया तो कितना होगा? तो 0 डिग्री पे आपने कहा था कि भाई दो बार है तो दो बार को यहाँ लिख देंगे, 10 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 1/273, और कितना आयतन था उस समय, इसको गुणा करना पड़ेगा आपको। तो इतने को अगर हम साल्व करें तो हम अगर V0 को बाहर रख दें तो 1/T = 273 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें गुणा है, तो ये बाहर लिखा गया तो गुणा हो गया ऑटोमेटिक। देखिए, अब आप गणित थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको आगे साल्व करेंगे तो 273, ये देखिए 273 गुणित एक, तो ये 273 ऊपर आ जाएगा, और टी पहले से है तो 273/T/273, ठीक है। अब इसको काट नहीं सकते ना, क्योंकि यहां पर धन है, ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर गुणा होता तो हम काट देते, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया था और 10 डिग्री सेल्सियस लिया था, तो 10 डिग्री को यहां पर लिखोगे और 0 डिग्री में जितना आयतन था उसको यहां लिखोगे। मान लो दो बार था तो यहां आ गया, अब बाकी फिर टोटल आयतन कितना होगा ये बताएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का कितना फर्क है आप इस समीकरण से, 5.6 समीकरण से आप जान सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस स्थिति में हम ताप के एक नए मापक्रम को इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि नए मापक्रम में टी डिग्री सेल्सियस को कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर अगर हम केल्विन में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, तो 273 में आप डिग्री सेल्सियस को जोड़ेंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273, और मान लो 10 डिग्री करते हो तो 283 हो जाएगा वो केल्विन में। तो केल्विन का सीधा मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 जोड़ दें तो वो हो जाएगा आपका 273 जोड़ दें तो वो हो जाएगा केल्विन, ठीक है। ऐसा है, इस नए ताप मापक्रम को केल्विन ताप मापक्रम अथवा परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर मापक्रम कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है। एक मिनट है, बता दूंगा।
ठीक है। अब देखिए जो मान हमने यहां पर 5.6 लिखा था, एक मिनट, ये जो 5.6 लिखे इसमें हम टी, ये दोनों को अगर हम ले लें तो कैपिटल टी हो जाएगा, देखिए है ना। तो देखिए उसी को लिखा है वी टी इक्वल टू वी जीरो कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टी जीरो, क्योंकि ऊपर में आपने लिखा था 273 धन टी, ये हो गया केल्विन में उतने का तापक्रम बटा आपने 273 लिखा था, तो केल्विन में ये कितना हो गया 273 का मतलब है केल्विन का इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में लिखना, 273 जीरो डिग्री हुआ, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें आगे तो क्या होगा, देखिए इस V0 को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा है, तो VT माइनस VT by V0 VT by V0 इक्वल टू TT और T0, थोड़ा एलर्जी की शिकायत है मुझे तो बीच बीच में छींके आते रहती हैं, हालांकि होम्योपैथी दवा से मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ लेकिन फिर भी दिन में दो चार छींके सुबह सुबह आ जाती हैं। तो ये एक समीकरण मिला कि किसी तापक्रम पे, दिए गए तापक्रम पे आयतन कितना था और तापक्रम पहले वाले में कितना आयतन था, ये। तो अगर हम इसको बढ़ाएं तो V2 V1 कर सकते हैं, तो T2 T1 कर सकते हैं, और अगर हम इसको उल्टा सीधा करें, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर ले जाएं, तो कैसे होगा, इसको ऊपर ले गए तो हो गया V1 और इसके नीचे आ गया T1, ये देखिए, और इसको इधर ले गए तो ये हो गया T1 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। ये देखिए थोड़ा उल्टा हो गया, एक मिनट बता देता हूँ आपको फिर से, आप इसको इधर लाए, अरे यार ये आपको इधर लाना है और इसको इधर लाना है, ठीक है, तो कैसा हो गया देखिए, या फिर आप चेंज कर सकते हो तो आप इसको इधर ला सकते हो और इसको इधर ले जा सकते हो, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो V2 T1 इक्वल टू टी टू और वी वन, ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना। अब क्या कर सकते हो कि अगर आप वी वन के नीचे टी वन लिखना चाहोगे तो टी वन लिख सकते हो, और वी टू के बटा टी टू लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो, ये लिखो वी वन टी वन वी टू टी टू, यानी कि एक स्थिरांक है वी बाई टी स्थिरांक है, तो के टू लिख देंगे अपन इसको, ठीक है। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो V इक्वल टू के टी, टी को इधर ले गए तो के टी, ये देखिए ठीक है। अब यहां पर देखिए कि तापमान आप -273.15 लिखे हो, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन हुआ, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, ये देखिए डिग्री सेल्सियस में, तो अगर डिग्री सेल्सियस को -273 कर दोगे तो ये 0 केल्विन होगा, और आपको बता दें पृथ्वी में इससे नीचे का तापक्रम नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होता है, मिनिमम तापक्रम होता है -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन, इससे नीचे और टेम्परेचर नहीं जाता है। अब यहां से टेम्परेचर 200, 100 माइनस, फिर 0, फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने बढ़ाया, ठीक है। तो आयतन देखिए सभी में बढ़ रहा है आयतन, अलग अलग दाब पे लिए गए किसी भी गैस का, दाब P1, P2, P3, P4 जिसमें भी दाब में लिए हो, उन सभी गैसों का आयतन बढ़ रहा है देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन दाब आप स्थिर रखेंगे, जैसे इसका दाब आप स्थिर रखेंगे तो देखिए तापमान बढ़ाने के साथ आयतन बढ़ा, ये देखिए आयतन बढ़ गया, पहले आयतन कम था आयतन ज्यादा हो गया, वैसे दूसरे दाब में भी आप देखिए, तीसरे दाब में भी देखिए। अब यहां पर एक चीज समझिए, P1 ज्यादा है कि P2, P3, P4 कौन ज्यादा दाब है,
तो दाब पी फोर सबसे ज्यादा है, इसलिए आयतन सबसे कम है पी फोर का, देखिए, क्योंकि दबाया है आपने तो ज्यादा दबा हुआ है तो आयतन कम हो गया है। तो पी फोर का आयतन सबसे कम है इसलिए दबाव सबसे ज्यादा पी फोर का है, लेकिन किसी एक दबाव में आप देखेंगे तो तापमान बढ़ाने के साथ इसका आयतन बढ़ रहा है किसी एक दाब में, लेकिन दाब आप बढ़ा रहे हो तो आयतन घट रहा है। देखिए दाब बढ़ गया, आयतन घट गया। ठीक है, स्थिरांक के टू का मान गैस की मात्रा, गैस के दाब तथा वह इकाई जिसमें आयतन वी व्यक्त किया गया है से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो दाब बढ़ा तो आयतन घटा, दाब घटा तो आयतन बढ़ा, पहले तो ये, लेकिन ताप बढ़ाने से दोनों चीजें बढ़ रही हैं आपकी, विशेषकर आयतन बढ़ रहा है। आप देखें क्योंकि ताप बढ़ाएगा तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी आयतन बढ़ेगा। समीकरण चार्ल्स के नियम का गणितीय रूप है जो व्यक्त करता है कि स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आप दाब को स्थिर रखेंगे तो आयतन बढ़ते जाएगा तापमान बढ़ाने के साथ, वही उसका समानुपाती कह रहा है। चार्ल्स ने पाया कि दिए गए दाब पर ताप सेल्सियस में तथा आयतन के मध्य ग्राफ सरल रेखा में होता है। वही आपने देखा कि कोई भी दाब पे अगर आप देखें तो ये सरल रेखा ही मिल रही है आपको, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहां पर भी शर्त लागू होती है कि अगर आप आदर्श गैस लेते हैं तब तो चार्ल्स का नियम एकदम सटीक बैठता है, लेकिन ये जो गैसें हैं वो कोई आदर्श गैस नहीं है, तो फिर आप जैसे दाब को बढ़ाते हो उनके बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ने से फिर से वो थोड़ा सा विचलन पैदा होगा। ठीक है, इन्हें शून्य आयतन तक बढ़ाने पर प्रत्येक रेखा ताप अक्ष के -273 डिग्री सेल्सियस पर अंततः खंड बनाती है। मतलब क्या बनाई, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि आप आयतन को जीरो करना चाहते हो, तो आयतन जीरो कैसे होगा भाई? किसी भी चीज का आयतन जीरो का मतलब हो गायब हो जाना, तो ऐसा हो सकता है क्या कि आयतन जीरो हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो जीरो आयतन -273 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ऐसा सैद्धांतिक रूप है। अभी तक हम इस तापक्रम को पृथ्वी में नहीं पाए हैं, अभी तक माइनस जो है 196 जो है लिक्विड नाइट्रोजन का, इतने तक हम माइनस में ले जा पाए हैं टेम्परेचर को, मतलब -200 के आसपास। जिस दिन -273 तक हम तापमान को ले जा पाएंगे उस दिन वास्तविकता पता चलेगी कि ये जो सिद्धांत है कि तापमान घटाने से आयतन कम होते जा रहा है, तो -273 पे हमने जो यहाँ पर कल्पना की है कि जीरो हो जाएगा आयतन, उतना होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन -273 अभी तक हमको मिला ही नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा, दिक्कत यही है। तो देखिए शून्य आयतन पर प्रत्येक रेखा ताप अक्ष पर -273 डिग्री सेल्सियस पर मिलती है, उतने पे शून्य हो जाएगा, लेकिन शून्य हमको मिलता ही नहीं है इसीलिए। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत होगा अगर तो बताएंगे, आपने स्क्रीन को ऐसे करके थोड़ा सा संकुचित कर लेंगे तो पूरा फुल स्क्रीन में दिखेगा ना, थोड़ा फैला हुआ दिखेगा, नहीं तो थोड़ा सा ऐसे 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 संकुचित कर लेंगे तो पूरा स्क्रीन में फिट बैठ जाएगा वो। ये गूगल के साथ प्रॉब्लम है यूट्यूब में कि थोड़ा फैला हुआ दिखता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ताप तथा आयतन के मध्य ग्राफ की प्रत्येक रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, क्योंकि आपने जो ऐसे रेखा खींचा है एक रेखा मान लो P1, तो इसमें P1 तो दाब तो स्थिर है ना, तो समदाब, दाब एक समान है पूरे रेखा में, सिर्फ वो आयतन और तापक्रम बदल रहा है, किसी एक रेखा में दाब नहीं बदल रहा है, इसलिए समदाब रेखा कहते हैं। यदि समीकरण 5.6 में टी के मान को -273 डिग्री द्वारा व्यक्त करें तो चार्ल्स के प्रेक्षणों को व्यक्त किया जा सकता है। हम देखते हैं कि किसी गैस का आयतन इतने पे शून्य हो जाता है, यह सैद्धांतिक है मैंने जैसा बताया।
इसका तात्पर्य यह है कि गैस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वास्तव में इस ताप पर पहुंचने से पूर्व ही प्रत्येक गैस द्रवित हो जाता है। ये एक और दूसरा चीज है कि आप ये सोचते हो कि गैस को 273 माइनस तक ले जाएंगे टेम्परेचर तो उसका आयतन जीरो हो जाएगा, लेकिन वो गैस ही नहीं रह जाता है, वो तो द्रव में बदल जाता है उससे पहले ही। जैसे हमने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन माइनस 197 डिग्री पे द्रव बन जाता है। अब द्रव बन गया तो अब उसमें गैस के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि अब द्रव के नियम लागू होंगे और द्रव का तो अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ना तो आयतन जीरो होगा। मतलब ये फिर से एक और चीज हो गया कि माइनस 273 के लाते लाते तक अगर वो लिक्विड बन जाएगा तो हमको गैस के नियम पे आगे बढ़ाते बनेगा ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस शून्य आयतन घेरती है को परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, जो कि जीरो केल्विन है या फिर वो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है। बहुत कम दाब तथा उच्च ताप पर प्रत्येक गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। तो बॉयल का नियम भी हमने देखा कि दाब कम होना चाहिए और टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए तो बॉयल का नियम सही बैठता है, क्योंकि जैसे ही आप दाब बढ़ाते हो ना पास में आने लगते हैं, ठीक है, पास में आने लगते हैं अणुएं, तो फिर उनमें बॉयल का नियम भी सही नहीं बैठता। ये बात भी मैंने शुरू से आपको बताया है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है। अब उदाहरण, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप इतना था, एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया है, इतने ताप पर 2 लीटर वायु, तो इसमें दबाव कितना होगा यह भी हम देखेंगे। जब जहाज हिंद महासागर जहां ताप 26 मतलब थोड़ा ताप बढ़ गया, देखिए 23.4 से 26.1, तब गुब्बारे का आयतन कितना होगा, मतलब दो ताप दिया है और एक आयतन दिया है, तो V1 दिया है 2, T2 दिया है इतना और T1 दिया है इतना। सबको आप केल्विन में निकालिए ना, जितना डिग्री दिया है उसमें 273 जोड़ के आप केल्विन में लिख लीजिए, तो V1 T1 V2 T2 में रख दीजिए, सीधा सा मतलब है। तो आपको V2 पूछा है ना, तो आप इसको इधर ले जाइए, तो V1 T2 by T1 ऐसा लिख दीजिए, तो V2 निकल जाएगा, आप रख दीजिए मान को, तो इतना लीटर हो गया। देखिए तो पहले 23 डिग्री पे आयतन 2 था, 2 लीटर था, और तापमान बढ़ाया तो आयतन बढ़ के 2.18 लीटर हो गया। तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो आयतन बढ़ते जा रहा है, यह है इसका मतलब, ठीक है। अब है गे-लुशाक नियम। अभी चार्ल्स ने क्या कहा कि दाब को स्थिर रखे तो आयतन कम ज्यादा होगा। अब गे-लुशाक यह कहेगा कि आयतन को निश्चित रखिए तो दाब कम ज्यादा होगा टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, दोनों टेम्परेचर पे दे रहे हैं। चार्ल्स का कहना था कि आप दाब को स्थिर रख दीजिए तो आयतन कम ज्यादा होगा, तापमान बढ़ाओगे घटाओगे तो। लेकिन गे-लुशाक कहते हैं कि नहीं, आप आयतन को स्थिर रख के देखिए, ताप बढ़ा के देखिए दाब बढ़ जाएगा, ताप घटा के देखिए दाब कम हो जाएगा। तो दोनों एक ही चीज को कान को इधर से और इधर से पकड़ रहे हैं, बस एक दाब को लेके बता दिया और एक आयतन को लेके बता दिया। तापमान बढ़ाओगे तो ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, तापमान घटाओगे तो दोनों चीजें घटती हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार जिसने कोई चीज दिया वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन सभी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वचालित वाहनों के टायरों में दाब प्रायः समान रहता है, परंतु गर्मी के दिनों में अत्यधिक बढ़ जाता है। देखिए जब कोई व्यक्ति हाईवे में गाड़ी चलाता है, जैसे आगरा लखनऊ हाईवे बना है वहां यूपी में, बहुत चिकना रोड है, लोग दंदनाते गाड़ी 150-200 की स्पीड में भगाते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनका टायर फट गया। अब टायर फटा क्यों फटा, तो उसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि टायर में थोड़ा सा कम हवा भरा गया, मतलब जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे भी थोड़ा सा कम रखा गया, ज़्यादा तो रखा नहीं कम रखा गया। फिर गाड़ी को चलाई गई 2 घंटे तक उसी रोड में फुल स्पीड में, फिर उसके टायर का टेम्परेचर नापे, सॉरी दबाव नापे और टेम्परेचर भी नापा, तो ये देखा कि टायर की हवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि मान लो हम कार के टायर में 30 PSI यानी 30 का दबाव हम रखते हैं, नॉर्मल ये होता है कारों में। अब जब उन्होंने इतना दबाव रखा, टेम्परेचर नॉर्मल था, फिर गाड़ी दौड़ाया, 2 घंटे बाद चेक किया
तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जैसे मान लो शुरू में 30 डिग्री टेम्परेचर था, तो जब गाड़ी दबा दिया बहुत तेज़ी से और 2 घंटे बाद चेक किया तो 60-70 डिग्री हो गया था टेम्परेचर, इतना गर्म हो गया था टायर। और दबाव जो 30 था वो 100 के आसपास पहुंच गया था। अगर ये दबाव 10-20 और बढ़ता तो टायर फट जाता। वही हुआ, लोग क्या करते हैं कि गाड़ी ज़्यादा एवरेज देगी करके गाड़ी में टायर में हवा ज़्यादा भर देते हैं, 30 की जगह 40 भर देते हैं। और वही होता है कि जब वो दबाव और बढ़ने लगता है तो वो जल्दी बढ़ करके वो टायर फूट जाता है। इसलिए गाड़ी में जो प्रेशर होता है उसको निश्चित अमाउंट से कम ही रखा जाता है। जैसे 30 दिया गया तो 30 रखना है आपको, ठीक है। मैं भी अपनी गाड़ी में 30 ही रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं भरता कभी भी, क्योंकि ज़्यादा हमने देखा है कि प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा दौड़ा देंगे गाड़ी तो। यदि दाब को अच्छी तरह समायोजित नहीं किया जाए तो टायर फट जाएगा। देखिए, सर्दी के दिनों में हम पाते हैं कि वाहन के टायर में दाब काफी कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम हो गया है। सर्दी के दिनों में आपको टायर में थोड़ा हवा ज्यादा भरनी पड़ेगी, क्योंकि ठंडी हो करके हवा वो दाब कम हो जाती है, गर्मी के दिनों में बढ़ करके दबाव बढ़ा देता है। ताप एवं दाब के मध्य गणितीय संबंध को जोसेफ गेलुशाक ने प्रतिपादित किया, जिसे गेलुशाक नियम कहते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। ये देखिए, आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू T एक्चुअली। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो आयतन कम होगा। उसी को फिर कन्वर्ट किया है तो V इजकल टू KT, फिर T को इधर लाया है तो V/T इजकल टू स्थिरांक। यही दिक्कत है थोड़ा सा, NCERT शॉर्ट कर देता है कोई चीज़ को, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो एक्चुअली ये कह रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू T, फिर प्रोपोर्शनल के जगह K और T, फिर T को इधर लाए तो V/T इजकल टू K। ये देखिए, ये आ गया। तो K1 हमने बॉयल के नियम के लिए, K2 चार्ल्स के नियम के लिए, और K3 हमने गे-लुशाक नियम के लिए हमने लिया है। तो तीनों का स्थिरांक हमने अलग-अलग नामों से लिया है, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब ये देखिए कि हम दाब को अगर स्थिर रखें, देखिए जैसे कि हम तीन चार गैसों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस गैस का दाब V1 निश्चित है, ठीक है। V1 दाब इस गैस के लिए, अलग अलग गैस है ना, एक गैस का V1 दाब, सॉरी आयतन निश्चित है। तो आयतन निश्चित कर दिया आपने, तो ये देखिए दाब जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। पहले दाब कम था फिर बढ़ता चला गया, देखिए दाब, लेकिन आयतन हमने फिक्स रख दिया है तो दाब बढ़ता चला गया। भाई आप बढ़ने नहीं दोगे तो अंदर का दबाव बढ़ेगा, और अगर आप बढ़ने दे दोगे तो अंदर का दबाव स्थिर रहेगा। तो वही चार्ल्स ने कहा कि आप बढ़ने दीजिए तो बढ़ जाएगा, और इसने कहा कि बढ़ने मत दीजिए तो दाब बढ़ जाएगा। तो अलग अलग गैसों में आप देखिए कि तापमान बढ़ाने के साथ आपका दाब बढ़ता जा रहा है। आयतन निश्चित है इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए, एक एक गैस के लिए एक एक आयतन निश्चित है, V1 V2 V3 V4। अब यहां पर भी आप कल्पना करिए कि V1 ज्यादा आयतन वाला है कि V4 ज्यादा आयतन वाला है। तो V1 कम आयतन वाला है और V4 ज्यादा आयतन वाला है, क्योंकि ज्यादा आयतन है इसलिए इसमें देखिए कि दबाव कम है, इसका आयतन कम कम है इसलिए दबाव ज्यादा है। आयतन कम रहेगा तो दबाव ज्यादा, आयतन ज्यादा रहेगा तो दबाव कम रहेगा, ठीक है। आप लोग कुछ कुछ लिखते रहा करो बीच बीच में जी, मुझे अच्छा लगता है आपका पढ़ करके कि आपको बढ़िया लग रहा है क्लास, है ना। तो आप लोग बताया करो कि क्लास आपको अच्छी लग रही है। इस संबंध को बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। तो हमने तो शुरू से देखा कि तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा और तापमान बढ़ेगा किसी भी गैस का, और दाब कम करोगे तो आयतन बढ़ेगा और तापमान कम होगा किसी भी गैस का। तो तीनों समीकरण को आप सम्मिलित कर सकते हो, बॉयल चार्ल्स और गे-लुशाक के नियम को, ठीक है। स्थिर मोलर आयतन पर दाब तथा ताप के मध्य आरेख को चित्र में दर्शाया गया है, जो अभी आपने देखा। प्रत्येक रेखा को सम आयतनी रेखा कहते हैं। अब देखिए, इनमें कोई भी रेखा जो है उसकी आयतन फिक्स्ड है, जैसे इसकी आयतन फिक्स्ड है V1, तो ये सम आयतन है, इसमें आयतन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ दाब कम ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी एक लाइन इसमें
सम आयतनी लाइन है। अब नेक्स्ट है अवोगैड्रो नियम, आयतन मात्रा संबंध। ठीक है, अब देखिए, अगर आप दाब को स्थिर रखना चाहते हो, आयतन को बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें आपको गैस की ज्यादा मात्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े जगह में और ज्यादा जगह में गैस को बराबर दाब के साथ रखना चाहते हो, तो यहां पर कम गैस, यहां पर ज्यादा गैस डालनी पड़ेगी। वही अवोगैड्रो का नियम समझाएगा आपको। 1811 में इटली के वैज्ञानिक अवोगैड्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गे लुशाक संयुक्त आयतन सिद्धांत के संयुक्त निष्कर्षण से एक परिकल्पना दी, जिसको अवोगैड्रो नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या लिखा कि इन्होंने डाल्टन और गे लुशाक दोनों के नियमों को इन्होंने शामिल किया और क्या कहा, ताप तथा दाब की समान परिस्थिति में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु रहेंगे। मतलब आपने दो बॉक्स लिया है, इनका आयतन सेम है, ताप आयतन दाब सब सेम है, और इसमें अलग अलग गैस लिए हैं, तब भी उनमें अणुओं की संख्या समान रहेगी। समान आयतन, समान दाब, समान ताप, सब कुछ सेम रखेंगे तो दो अलग अलग गैसों में भी समान संख्या में अणु होते हैं। मतलब है कि ताप दाब स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या पर, या अन्य शब्दों में गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। यह भी मैंने आपको बताया कि कम जगह में और ज्यादा जगह में गैस रखना चाहते हो बराबर दाब में, तो यहां पर कम गैस है, यहां पर ज्यादा गैस भरना पड़ेगा आपको, तो दाब समान रहेगा, ज्यादा जगह के लिए ज्यादा गैस चाहिए। वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, जहां एन गैस के मोलों की संख्या है। तो जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाना चाहोगे वैसे वैसे उसमें गैस की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। अगर दाब आप समान रखना चाहते हो तो आयतन के साथ आपको ज्यादा गैस उसमें भरनी पड़ेगी, और इसके लिए आप K4 ले रहे हैं। तो गे लुशाक के लिए हमने K4 लिया, बायल चार्ल्स सॉरी अवोगैड्रो के लिए K4 लिया, बायल के लिए K1, चार्ल्स के लिए K2, गे लुशाक के लिए K3 और अवोगैड्रो के लिए K4 हमने अलग अलग यहां पर लिया है नियतांक को। ठीक है, तो आयतन बराबर रखने के लिए गैस के सॉरी आयतन को बढ़ाओगे घटाओगे तो गैस की मात्रा को बढ़ानी घटानी पड़ेगी समान दाब में रखने के लिए। एक मोल गैस में अणुओं की संख्या इतनी होती है, जिसे अवोगैड्रो स्थिरांक कहते हैं। आप हमेशा पढ़े हो कि एक मोल में संख्या कितनी होती है, जैसे एक दर्जन में 12 होती है वैसी एक मोल में इतनी संख्या होती है, ये आप शुरू से पढ़े हो। ठीक है, एक मोल में इतनी संख्या होती है करके। इसी को अवोगैड्रो स्थिरांक कहते हैं, मोल, या वही संख्या है जिसकी व्याख्या एकक एक में मोल की परिभाषा के संदर्भ में हमने दिया था। तो किसी भी पदार्थ में अगर एक मोल पदार्थ आप रखे हो तो उसमें अणु है या परमाणु है जो भी, उनकी संख्या इतनी रहेगी। जैसे आपने कहा कि एक मोल हमने हाइड्रोजन गैस लिया है, उसका मतलब है हाइड्रोजन गैस के इतने अणु आपने लिया है। जैसे आपने कहा एक दर्जन मैंने केले खरीदे हैं, मतलब 12 केले खरीदे हैं, वैसे एक मोल हाइड्रोजन गैस लिया है का मतलब इतने अणु आपने हाइड्रोजन गैस के लिए हैं। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं उसमें आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से देखना शुरू करें, ठीक है, तो आपको पूरी केमिस्ट्री अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, तब प्रत्येक गैस का एक मोल मानक ताप एवं दाब, जिसका तात्पर्य 273 केल्विन तथा एक बार होता है, समान आयतन रखता है। तो अगर आप तापमान को स्थिर रख देते हो और गैस के अणुओं की संख्या को स्थिर रख देते हो तो उसकी आयतन भी निश्चित रहेगी, सब कुछ एक साथ। यहां पर आप देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दो चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले बताया है, एक स्टैंडर्ड होता है एक एनटीपी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एनटीपी का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन,
ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। प्रेशर एक बार प्रेशर फिक्स है। एक बार का मतलब 10^5 पास्कल, ये समान आयतन है। एसटीपी पर आदर्श गैस का मोलर आयतन 22.7 लीटर पर मोल होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लीजिए और उसमें आप 1 मोल गैस के अणुओं की संख्या को रखिए तो फैल करके 22.7 लीटर हो जाएगा। 1 मोल गैस के अणु उतने सारे, तो ये लगभग सभी गैसों के लिए फिक्स्ड है, लेकिन हम ये जो निकाल रहे हैं ये आदर्श गैस के लिए है। और जैसा मैंने कहा, दुनिया में कोई आदर्श गैस नहीं है। जो हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान है, जिसको हम नोबेल गैस कहते हैं, वो काफी हद तक इनके जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके अणुओं में भी थोड़ी बहुत आकर्षण प्रतिकर्षण लगता ही है। तो आप देख सकते हैं कि आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, N2 डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई ऑक्सीजन मतलब O2। डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ? 2 नाइट्रोजन यानी N2, ये O2, ये H2 और आदर्श गैस में तो आर्गन लिखा ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आर्गन का 22.7 के काफी निकट है, ये आदर्श गैस का 22.7 होना चाहिए। तो आर्गन जो है, इसलिए हम इनको नोबेल गैस मानते हैं, 22.7। हालांकि सभी 22.7 के आसपास ही है। CO2 आप देख सकते हैं, N2, O2, ये सभी जो है, H2, सभी 22.7 के आसपास है, लेकिन आसपास है, एग्जैक्टली 22.7 नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। गैस के मोलों की संख्या की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहां पर है n=m/M। तो स्मॉल एम क्या है? लिए गए गैस का द्रव्यमान, ठीक है, और कैपिटल एम क्या है? मोलर द्रव्यमान। यहां पर कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। और यहां पर अगर हम मान रखें, n का मान अभी आपने क्या निकाला था, देखिए यहां पर आपने निकाला है V=K4N और n का मान हो जाएगा V/K4, n का मान हो जाएगा। तो इस समीकरण में आप n का मान रखिए तो ये आगे पीछे होकर के, आप गणित तो लगाना जानते ही होंगे कि पहले n का मान इधर रख दिए, फिर शिफ्ट करके v को इधर और k को इधर ले गए, क्योंकि n का मान हमने कितना निकाला है, देखिए V/K। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखिए V/K = m/M, ऐसा हुआ। अब V को रखना चाहते हो तो K इधर जाएगा, ये देखिए K4 इधर आ गया, यानी K4m/M, ऐसा हो गया। अब ये समीकरण हो 5.13, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो हम उल्टा सीधा करें तो फिर M=K4m/V, आपने m नीचे और v ऊपर रखे थे, अभी पहले फार्मूला कैसा लिखा था, V=K4m/M, कैपिटल m इधर चला गया, v इधर चला गया, ये देखिए वैसी हुआ, ठीक है। और आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि m/V=density, वॉल्यूम कम ज्यादा होने से डेंसिटी कम ज्यादा होती है, आपको बताया था मैंने, वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी कम होगी, ऐसा है, ये आपने कुछ देर पहले इस फार्मूले को पढ़ा था। तो डेंसिटी यानी घनत्व को लिखती है। तो मोलर द्रव्यमान =K4 यानी नियतांक और ये घनत्व, इन दोनों को हम साथ में लेंगे। ये देखिए डी जो है गैस का घनत्व है। तो समीकरण 5.14 से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि गैस का घनत्व उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। भाई अगर मोलर द्रव्यमान ज्यादा है तो गैस का घनत्व भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अणु भारी रहेंगे। एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, एवोगैड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। और यह गैस दुनिया में नहीं पाई जाती, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे डेविएशन आपको होगा ही होगा। यह गैस काल्पनिक है। ऐसा माना जाता है कि एक आदर्श गैस के अणुओं के मध्य बल, अंतरा अणुक बल उपस्थित नहीं होते हैं।
आदर्श गैस में अणुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं होना चाहिए, ऐसा है। लेकिन किसी भी गैस में आदर्श गैस के 100% लक्षण नहीं है। जब वो अणु बहुत पास आ जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जरूर लगते हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है। बहुत सारे बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा है, खुशी है। तो वास्तविक गैस केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब अन्योन्य बल प्रायोगिक रूप से नगण्य होते हैं, इन नियमों का पालन करती हैं। तो अगर इन नियमों को आप साधारण गैस में लगाना चाहते हैं तो गैस के अणुओं को दूर रखना पड़ेगा ताकि उनके बीच प्रतिकर्षण आकर्षण न लगे। और दूर रखने का मतलब है उसमें उसका दबाव बहुत कम रखना पड़ेगा। गैस का दबाव कम का मतलब गैस की मात्रा कम, अणु की मात्रा कम, तो उनके बीच में बल बहुत कम। तो कम दबाव में और ज्यादा तापक्रम रखना पड़ेगा, तापक्रम को ज्यादा रखना पड़ेगा, तब वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा। अन्य सभी परिस्थितियों में आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। अब है आदर्श गैस समीकरण। अभी तीनों नियमों को हम एक साथ यहां पर रखेंगे। देखिए, यहां पर आप देखिए, बॉयल का नियम क्या कहता है? प्रेशर बढ़ाओगे आयतन घटेगा, आयतन बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। एवोगैड्रो नियम क्या कहता है? कि अगर आप आयतन बढ़ाना चाहते हो तो मोलों की संख्या यानी गैस की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन तीनों में आप देखिए, ये समानुपाती है यहां पर भी। ठीक है, इन तीनों में देखिए कि V के समानुपाती में तीन चीजें हैं, दो ऊपर है एक नीचे है, तो NT/P हो जाएगा। देखिए, N और T ऊपर में है और P नीचे में है। ये देखिए, NT/P, V इज प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल की जगह अब यहां पर रखेंगे R। ठीक है, R एक समानुपाती नियतांक है और ये समीकरण हो 5.16। तो अब इनको हम पुनर्व्यवस्थित करें तो हम इसको P को इधर ले जाएं तो हो जाएगा PV=NRT, ऐसा लिख देते हैं अपन, समझ रहे हैं? NRT ऐसा लिखते हैं और P को इधर ले गए तो PV=NRT। ये बहुत कॉमन फार्मूला है, आप इसके बारे में सुने भी होंगे, अगर आप अपने स्कूल में इसको पढ़ चुके होंगे अगर इस टॉपिक को, तो PV=NRT, PV=NRT, ये बहुत बार आपने सुना होगा। ठीक है, अब इसमें अगर R का मान निकालना चाहते हो तो VB में N और T को भाग दे दो तो R का मान निकल जाएगा, PV/NT, और इसे गैस नियतांक कहते हैं, गैस कांस्टेंट। ठीक है, R को जिसका मान फिक्स होता है सभी गैसों के लिए, इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं, कि सभी गैसों में लागू होता है। अब ये जो समीकरण आप निकाला 5.17, ये वाला PV=NRT, ये आदर्श गैस के लिए समीकरण है। आदर्श गैस में लगाओगे तो चलेगा, लेकिन बाकी किसी में लगाओगे तो थोड़ा बहुत उसमें विचलन दिखाएगा। और उसके आगे जो आपने बढ़ाया वो R का मान बताता है, PV और T के माप को दिए जाने पर। यदि समीकरण में तीन चर ज्ञात हो तो चौथे की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो समीकरण में आप मान रखते जाइए, आपको आता जाएगा उत्तर। इस समीकरण से हम देखते हैं कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस के n मोल समान आयतन रखते हैं। तो किसी गैस के स्थिर दाब पर समान आयतन है, स्थिर दाब, स्थिर ताप, सब कुछ समान रखोगे तो आयतन भी उसका फिक्स रहेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, उसको स्थिर दाब और ताप पे रखोगे तो हमेशा उसका आयतन उतना ही रहेगा। मान लो 2 लीटर है, 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर V=NRT/P है तो NRTP सभी स्थिर है तो इसलिए V भी स्थिर रहेगा किसी भी गैस के, लेकिन अलग अलग गैसों के लिए ये अलग अलग हो जाएगा। जब किसी गैस का व्यवहार आदर्श व्यवहार के समान होता है तो यह समीकरण किसी भी गैस पर लागू हो सकता है। लेकिन अलग अलग पे क्यों विचलन हुआ? क्योंकि हर प्रकार के गैस का आदर्श गैस के समान उससे विचलन अलग अलग होता है। कोई ज्यादा आदर्श गैस जैसा और कोई कम आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसमें विचलन थोड़ा अलग अलग हो जाता है अलग अलग गैसों में। बाकी आप कहेंगे तो ये लगभग सभी गैस में
लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलन गैसें नहीं दिखाती, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ठीक है, एसटीपी यानी एसटीपी फिर आ गया स्टैंडर्ड, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, और एनटीपी में 27 डिग्री। एसटीपी पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन 22.7 लीटर होता है, और आपने देखा वहां पर कि आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और हाइड्रोजन है, सभी का 22.7 के आसपास आ रहा था। ठीक है, तो वो लगभग उतने आते हैं सभी गैसों के, लेकिन एकदम आदर्श गैस जैसा 22.7 नहीं आता है। इन परिस्थितियों में 1 मोल आदर्श गैस के आर के मान की गणना इस प्रकार की जा सकती है। तो अब आर का मान यहां पर रखेंगे तो कितना आ रहा है देखिए। ठीक है, तो एक बार यानी कि सामान्य परिस्थिति में एक बार प्रेशर लग रहा है, एक बार का मतलब 10.5 पास्कल होता है, और इसमें आयतन आपने 22.7 लीटर लिखा है, तो क्यूबिक घन मीटर में लिखेंगे तो 10^-3 करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि क्यूबिक मीटर में दिया है लीटर, और 1 मोल आपने लिया और टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। अब इन सब को गुणा करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो गुणा करोगे तो ये आ गया 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, 8.314। अब ये पास्कल में लिखा है आपने, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार में 10.5 पास्कल होता है, जबकि यहां पर 10.3 पास्कल ही, 10^3 पास्कल दिया है, तो ये -2 कम पड़ गया, तो -2 लिख के बार लिख देंगे अपन तो ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर जूल में लिखना चाहेंगे तो 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल, वो NM का मतलब न्यूटन मीटर है ना, ध्यान रखेंगे न्यूटन एक बल है और मीटर, 1 मीटर में कितना बल लगाओगे वो न्यूटन मीटर है, तो 1 न्यूटन मीटर का मतलब भी 1 जूल होता है, और यहाँ पर भी न्यूटन मीटर लिखे हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 83.14 को आप पास्कल मीटर क्यूब लिखें या किलो जूल पर केल्विन पर मोल लिखें, दोनों का मान बराबर हुआ 8.314। तो आप विशेष ध्यान देंगे कि आप मान को बार में लिखना चाहते हैं, जूल में, कि किस में लिखना चाहते हैं, उसके आधार पर आर की वैल्यू, गैस नियतांक की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर में 8.314 की वैल्यू रखी जाती है गैस नियतांक का। एसटीपी पर आर का मान 8.2 × 10^-2 लीटर होता है, ये भी आपने देखा, लीटर में निकालेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण का संबंध इन 4 चरों से है, किसी गैस की अवस्था की व्याख्या करता है, अतः इसे अवस्था समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो गैस किस परिस्थिति में है उसको ये दिखाता है गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण में पुनः विचार करें, भाई वो PV = nRT आदर्श गैस के लिए है, या चरों के समक्षणिक परिवर्तन के लिए है। यदि किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का ताप T1, आयतन V1, दाब P1 है, से ताप को T2, V2, P2 ये सब बढ़ा दिए तो हम क्या लिखेंगे देखिए। तो P1, V1, T1 = nR है, ठीक है, nR दोनों फिक्स्ड है, तो P1, V1, T1 = P2, V2, T2, क्योंकि आपने गैस के मोलों की संख्या निश्चित रखी है और R तो एक नियतांक है ही, इसलिए P1, V1, T1 = P2, V2, T2, ये बात समझ लीजिए। अब समीकरण 5.19 मिला आपको, एक उपयोगी समीकरण है, यह उपरोक्त 6 चरों में से 5 चरों के मान ज्ञात हो तो अज्ञात चर की मात्रा गणना की जा सकती है। P1, V1, T1, P2, V2, T2 ये 6 हो गए, 6 चर, चर मतलब जो बदल सकते हैं, जिनका मान बदलता है वो चर, और जो नहीं बदलते वो अचर। तो P1, V1, T1, P2, V2, T2 6 हो गए, 6 में से किसी 5 का अगर आपको मान दिया हो तो 6वें का मान तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे ना, यही बोल रहे हैं वो। इस समीकरण को संयुक्त गैस नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो तीनों के नियमों को संयुक्त करके ये नियम दिया गया है, इसलिए ये नियम
संयुक्त गैस नियम कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। 25 डिग्री 760 एनएम दाब पर एक गैस 600 मिलीलीटर है, यानी ये T1 है, ये P1 है और ये V1 है, ये तीन चीजें दी हैं। दूसरा आपको T2 दिया और V2 दिया, तो P2 आपको निकालना है, ठीक है, यही हुआ ना। लेकिन इन सब में डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सब में 273 आप जोड़ देंगे तो T हो जाएगा। तो ये आपने P1 V1 T1 ये रखा था आपने, आपको क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो इसको ऊपर इसको नीचे ले गए, तो P1 V1 T2 और नीचे आ जाएगा T1 V2 इसमें रख दीजिए मान, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान कि 25 डिग्री को और 10 डिग्री को आप 273 से जोड़ेंगे तो 25 और 273 कितना हो गया, 200, ये तो 298 हो रहा है, ये 283 क्यों लिखा है यहाँ पर, अच्छा 10 डिग्री को लिखा है, T2 है ना 10 डिग्री, ये 298 यहाँ लिखा है, ठीक ठीक ऊपर नीचे लिखा है, करेक्ट है। तो P2 आपका कैलकुलेट हो गया, बहुत साधारण ढंग से आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्लास में, कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, गैसीय पदार्थ घनत्व एवं मोलर द्रव्यमान। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, थैंक यू, जुड़ने के लिए धन्यवाद, है ना, बाय।